क्लास देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है वो है ऐड द फॉलोइंग। इसमें हमको एडिशन करना है। देखिए, जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम हमेशा बैक साइड, पीछे की साइड से हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। 9 प्लस 7 कितना होगा? 16। देखिए, 9 प्लस 7 16 होता है। इसमें यहाँ दो नंबर आ रहे हैं, तो जो पहला वाला नंबर है, पीछे से जो पहला वाला नंबर है, हम वो यहाँ लिखते हैं और उसके आगे वाला नंबर हम यहाँ कैरी दे देते हैं। अगर दो नंबर आ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये कैरी वाले सम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब दो नंबर आते हैं तो उसका जो पीछे वाला नंबर रहता है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो आगे वाला नंबर रहता है वो कैरी दे देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 9 और 8 होते हैं 17। ठीक है, 17 होते हैं। अब जब 9 और 8 17 होते हैं और उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 18। अब जैसे कि ये 18 आया, तो 18 का लास्ट नंबर यहाँ लिखेंगे और उसके पहले वाला नंबर हम यहाँ कैरी दे देंगे। अब 8 और 2 10। ठीक है, 8 और 2 10 प्लस 1 11। तो इसको भी ऐसे करेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहले आप जो ये नंबर्स लिखे हैं ना, पहले उनको प्लस करिए, जो बाद में जो कैरी वाला नंबर है ना उसको बाद में ऐड करिए। ठीक है, वरना आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, 8 और 3 होता है 11। 11 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12। 12 का 2 यहाँ, 1 यहाँ। हमेशा हम पीछे वाला नंबर लिख रहे हैं और जो उसके आगे वाला नंबर हो रहा है वो हम उसको कैरी दे रहे हैं। ठीक है, अब 6 और 2 हुआ 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9। ठीक है, ये इजी है, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। बाकी सारे सम्स आपको ऐसे ही करना है। और ये समझ जाइए, जैसे कि यहाँ पर सिंगल नंबर आए तो सिंगल नंबर आके छोड़ देना, जरूरी नहीं है कि सारे नंबर कैरी वाले हों। ठीक है, पर अगर दो नंबर आ रहे हैं तो मतलब कैरी वाला नंबर है।